गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और फाइव पैसा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आज मार्केट कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 18,050 का सपोर्ट मिल रहा है, वहीं 18,250 रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहीं बैंक निफ्टी को अराउंड 38,500 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है और 38,800 रेजिस्टेंस का काम करेगा। आइए देखते हैं फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे। कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 7 से 10 दिनों के लिए। सबसे पहले आता है नौकरी, जहां पर साइडवेज मूव टू एंड है। आप इसे बाय कर सकते हैं 6,806 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 6,685 पर, पहला टारगेट 6,970 और दूसरा रख सकते हैं 7,100 पर। फिर आता है वेंकीज इंडिया, जहां पर स्ट्रांग वॉल्यूम नजर आ रहा है। आप इसे बाय कर सकते हैं 3,155 पर, स्टॉप लॉस 3,077 पर लगा सकते हैं, पहला टारगेट 3,265 और दूसरा रख सकते हैं 3,380 पर। फिर आता है IRCTC, जहां पर फर्दर बाइंग नजर आ रहा है। आप इसे बाय कर सकते हैं 4,929 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 4,835 पर, पहला टारगेट 5,040 और दूसरा रख सकते हैं 5,200 पर। उसके बाद आता है गॉडफ्रे फिलिप्स, जहां पर पॉजिटिव चार्ट नजर आ रहा है। तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1,340 पर, स्टॉप लॉस 1,300 पर लगा सकते हैं, पहला टारगेट 1,385 और दूसरा रख सकते हैं 1,420 पर। उसके बाद है इंडिया मार्ट, जहां पर पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है। तो आप इसे बाय कर सकते हैं 9,480 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 9,320 पर, पहला टारगेट 9,650 और दूसरा रख सकते हैं 9,900 पर। आइए देखते हैं कॉल जो हमने आपको रिकमेंड किए थे, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। DBL 7.8% ऊपर गया, टच फर्स्ट टारगेट। सुप्रजीत 3% ऊपर गया। वहीं टाटा कैम 18.8% ऊपर गया इन 5 डेज और GSFC 7.5% ऊपर है इन 1 वीक। आइए बात करते हैं स्टॉक इन न्यूज की। इसमें है HCL टेक्नोलॉजीज, डिश टीवी और पूर्वांकारा। सबसे पहले HCL टेक्नोलॉजीज का सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल 22 से एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। अगर रेवेन्यूज देखें तो 5.2% ऊपर हो सकता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। वहीं नेट प्रॉफिट देखें तो 0.8% ऊपर हो सकता है एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर। वहीं एबिट मार्जिन की बात करें तो 19.2% वर्सेज 19.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो सकता है। बात करते हैं डिश टीवी की। डिश टीवी ने अपने लार्जेस्ट शेयर होल्डर येस बैंक द्वारा रिक्विजिशन नोटिस रिजेक्ट किया। इसमें बोर्ड के रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करने के लिए कहा गया था। प्रपोज्ड EGM में 4 दूसरे मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ येस बैंक डिश टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर जवाहर गोयल को रिमूव करने की पहल करना चाह रहे थे। बात करते हैं पूर्वांकारा की। अगले 4 सालों में ये कंपनी 2 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए ₹420 करोड़ इन्वेस्ट करने के प्लान में है। ये प्रोजेक्ट्स जो कि एक मुंबई में और दूसरा बेंगलुरु में है, ये कंपनी के लिए ₹1,250 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने में मददगार साबित हो सकता है। चलिए देखते हैं FII और DII डेटा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने नेट वर्थ ₹937.31 करोड़ के शेयर्स खरीदे, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नेट ₹431.72 करोड़ के शेयर्स बेचे। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई भी सजेशन या सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल फाइव पैसा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। स्टे ट्यून्ड।